क्या होता है क्रोमा? क्रोमा से सबसे ज्यादा नुकसान अलीफ लेला को क्यों हुआ? 1980 की फिल्में इतनी नकली क्यों लगती है? ये तो सबको पता है कि शूटिंग के दौरान के उन वीडियो में साफ दिखता है कि फिल्म की शूटिंग एक बंद कमरे में की जा रही है, जबकि फिल्म में उसी दृश्य में खुलासा आसमान और युद्ध का बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है। इसका अच्छा उदाहरण भारत की सबसे हतप्रभ करने वाली फिल्म बाहुबली के सांड और अभिनेता राणा दग्गुबाती की लड़ाई वाले दृश्य को लेकर सामने आया वीडियो है। इसमें साफ देखा जा रहा है कि शूटिंग के दौरान विशालकाय सांड कोई और नहीं बल्कि फिल्म के मुख्य हीरो प्रभास है। आखिर कैसे एक मनुष्य के रूप को एक पर्दे पर एक विशालकाय सांड का रूप दे दिया गया है? ऐसा क्या करते हैं फिल्म बनाने के दौरान? इस सवाल के जवाब में आमतौर पर हमें कुछ शब्द बता दिए जाते हैं, जैसे VFX या क्रोमा। पर क्या हम जानते हैं कि VFX या क्रोमा करते क्या है? कैसे एक बंद कमरे में दौड़ती साइकिल को ट्रेन की पटरी पर दौड़ती साइकिल की तरह दिखा देते हैं? कैसे फिल्म देखने के दौरान एक सांस से थमा देने वाला सीन किसी टेबल पर बैठकर तैयार किया जाता है? सबसे अहम बात यह है कि क्या इससे सिनेमा को फायदा हुआ है या फिर इस तकनीकी के सामने में नकलीपन भर दिया है? आजकल जो सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते हैं उनमें ज्यादातर हमें पीछे एक हरे रंग पर्दा दिखाई देता है। हम देखते हैं कि हीरो और कपड़ा आदि तो वैसे ही है जैसे फिल्म में दिखे थे, पर वीडियो में जहां हरे रंग के पर्दे या हरी परत दिखाई दे रही है, फिल्म में वही बड़ी बड़ी इमारतें या सीन के हिसाब की चीजें या ट्रेन की पटरियां दिखाई दे रही है। असल में किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक सुविधा होती है जिसे क्रोमा की कहते हैं। इसकी खूबी ये होती है किसी भी वीडियो से हरे रंग और आसमानी नीले रंग पूरी तरह हटाकर पारदर्शी कर देता है। यानी अगर आप हरे रंग का कपड़े पहनकर कोई वीडियो शूट करा ले और बाद में चाहे कि आपके शरीर पर कोई कपड़ा ना दिखे तो क्रोमा के जरिए ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कपड़े हटने पर वो जगह पारदर्शी हो जाएगी। अगर उसी वक्त आप एक अन्य वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर ले जाए तो दूसरी उन पारदर्शी जगहों पर दूसरे वीडियो की झलकियां दिखने लगती है। ठीक इसी तरह VFX है। असल में VFX का मतलब होता है विजुअल इफेक्ट। ये वीडियो पर तमाम तरह के प्रभाव डालने की एक पूरी लैब होती है। इसे आप किसी भौतिकी या रसायन लैब की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी रसायन लैब में दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर हम कोई नया पदार्थ बना सकते हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास में वास्तविक चीजों का अपना महत्व है। हिंदी सिनेमा की दो ऐतिहासिक फिल्में शोले और लगान बिना किसी क्रोमा और VFX के शूट की गई थी। उन दोनों फिल्मों का जो प्रभाव है वैसा किसी क्रोमा VFX वाली फिल्म प्रभाव अभी तक नहीं छोड़ पाई है। अगर इस तकनीक पर निर्माता आश्रित रहे तो जल्द ही सिनेमा में काफी तकलीफन बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।